नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल खत्री डेयरी फार्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में आपको पहले और दूसरे ब्याज की दो जोटी जो है दिखाएंगे। पहले नंबर पर आप जोटी देख रहे हैं, दूसरी बार भी आएगी। पहली बार इसने जो है 11 से 12 लीटर दूध दिया है और पूरी वजनदार जोटी है, छोटा गोल सींग है और लिवटी अभी भी जो है आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी लिवटी बनी हुई है। और अभी जो खाली इसमें आप खाल देख सकते हैं, वो अभी जो है अभी 10 से 15 दिन इसका बाकी है ब्याने का, तो आने वाले समय में जो है काफ़ी अच्छी लिवटी इसकी जो तैयार होने वाली है। और 12 से 13 लीटर इसकी दूध क्षमता इन्होंने सर ने बताई है, अब की बार दे देगी 12 से 13 लीटर दूध और दूसरी बार भी आएगी। 10 से अभी 15 दिन बाकी है इसके ब्याने में और कीमत इसकी जो है 65,000 रुपये इन्होंने डिमांड की है। एक और जो है पहले भी आज की जोटी है बराबर जो बंदी हुई, इसको भी आपको जो है दिखाएंगे अच्छी तरह। ये आप देख सकते हैं छोटा गोल सींग है, सुंदर चारे मोरे के साथ ये देख सकते हैं, बिल्कुल छोटा कन्नीदार सींग है और सुंदर चारा मोरा, पेट पुट्ठा काफ़ी शानदार है वो आप देख सकते हैं, पूरी वजनदार जोटी है। और सुभाष कुमार सर का जो है नंबर नीचे वीडियो में दे दिया गया है, 7GB जैस सर से जो है ये लेकर के आए हैं श्रीगंगानगर राजस्थान से, और काफ़ी अच्छी दोनों की दोनों जोटियाँ बिक्री के लिए उपलब्ध है और काफ़ी रीजनेबल रेट पर जो है बिक्री के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। 65,000 में ये जो है जोटी बिक्री के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। और दूसरे नंबर पर जोटी देख रहे, थोड़ा खुला सींग है, बाकी पेट पुट्ठा काफ़ी शानदार है इसका। और सुबह की ये वीडियो है, कल सुबह की दूध निकलने के बाद की जो है इन्होंने ये वीडियो बनाई थी कल सुबह, और कल शाम की भी जो है दूध निकालने से पहले किस तरह की लिवटी बनती है वो भी आपको इसमें जो है वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको दिख जाएगी। ये देख सकते हैं पहले ब्यात की है और 4 दांत अभी मुंह से जो है तोड़ने लग रही, चौथे दांत। और पीछे इसके फीमेल काफी 20 दिन की भाषा बता रहे ब्याई हो चुकी है, थनों के बीच में गैप काफी अच्छा है और 14 लीटर मिल्क इसके नीचे अभी मौके पर तैयार है। कोई भी भाई 2 टाइम 4 टाइम जितनी मिल्किंग करके देखना चाहता अपना मिल्किंग करके देख सकता है। ये पीछे इसके फीमेल काफी बैठी हुई देख सकते हैं आप, और इसकी कीमत 75,000 रुपये है। जो भी भाई लेना चाहता है सीधा इनसे संपर्क कर सकता है। सुभाष कुमार भाई का नाम है नीचे, इनका नंबर दे दिया गया है, श्रीगंगानगर राजस्थान के जो है रहने वाले है। 7GB इनका विलेज है और विजयनगर की तरफ इनका जो है ये गांव है। और बाकी जो है अब वीडियो में जो आपको और भी कुछ बातें बताने वाले हैं, तो डिटेल जो है भैंसों की जो है पूरी हो चुकी है, जोटियों की, दोनों जोटियों की। इसके बाद बात आती है वीडियो छोटी बनाने की और बड़े बनाने की, जो बात है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर जो हम छोटी वीडियो बनाते हैं, एक भैंस है कोई, उसकी वीडियो अगर हम 1 मिनट या 1.5 मिनट की बनाते हैं तो उसमें हम पूरी तरह से भैंस को नहीं दिखा सकते। अगर भैंस दिख भी जाती है जल्दी जल्दी में तो उसको चला करके नहीं दिखा सकते हम, तो जो देखने वाला है, जो देखने आते हैं उनको जैसे हम चला करके दिखा रहे हैं, इसमें पता चल जाएगा कि इसके पैरों में कोई दिक्कत है या नहीं है। चला करके दिखाया जा रहा, भागती है, टक्कर मारती है, वो पता चलता है बड़ी वीडियो में। अगर मिल्किंग की साथ में ऐड करते हैं, मान के चलो अगर हमने मिल्किंग की लगा दी और वो अगर कोई भाई देखता है तो यूट्यूब पर ही देख सकता है, थनों में किसी प्रकार का छर्रा है, फवारा है, धार पतली है, मोटी है, वो देख सकता है बड़ी वीडियो में अगर हम मिल्किंग के साथ में ऐड करते हैं तो। ये बात समझे जो नए भाई आए हैं उनके लिए है ये बातें, तो समझे इस बात को। किसी की टांग खिंचाई करके कोई फ़ायदा नहीं है, अपना ही नुकसान करवाओगे, तो फ़ायदा इसी में, चुपचाप अपना काम करते रहो। और बड़ी वीडियो में ऐड भी ज़्यादा लगते हैं, ये भी बात ध्यान रखो। जो महीना पहले मेरे से पूछते हैं वीडियो कैसी लगाते हैं भाई, सुबह लगाते हैं शाम को लगाते हैं, वो आज औरों को ज्ञान दे रहे हैं कि बड़ी वीडियो का फ़ायदा है छोटी वीडियो का। बड़ी वीडियो अगर बनाओगे मिल्किंग के साथ में लगाओगे या आप वैसे भी लगाओगे, अच्छी तरह थनों के दिखाओगे, थनों में पाउस है या नहीं है लोगों को वो दिखेगा। अगर आप झूठी वीडियो बनाते हैं जिसमें आप थन जो है पहले ही पाउस से रहते हैं और उसकी अगर मिल्किंग की वीडियो आप साथ में लगाते हो, आप काम नहीं कर सकते क्योंकि उसमें पहले ही पाउस है, तो जब उसको बच्चा छोड़ा जाएगा तो थन बदलेंगे ही नहीं, थनों में पाउस ही नहीं, पहले से ही पाउस ही हो क्या पाउसेगी। इसलिए जो मैं वीडियो बनाता हूँ बड़ी वीडियो, ध्यान से सुनो, उसमें पहले थन दिखाते हैं कि इसमें थनों में पाउस है या नहीं है, उसके बाद जो मिल्किंग दिखाती है बच्चा छोड़ करके दिखाया जाता है, पाउसने के बाद थनों का साइज कैसा है, कितना ग्रोथ हुआ थनों का साइज, पाउसने के बाद थनों में क्या फ़र्क आया है, इस बात को भी ध्यान से समझे इस बात को। और एक और बात, कुछ भाई जो है अपने पीछे जो हाथ धो करके पड़ चुके हैं, कुछ दिन पहले एक भाई ने जो है कमेंट किया था, एक नहीं काफ़ी ने किया था कि भाई आपका चैनल कोई लोग हैक करवा सकते हैं, डिलीट करवा सकते हैं, उसकी शुरुआत जो है आज हो चुकी है। कल मैंने एक ये वीडियो डाली थी, उसका जो है फोटो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है और साथ में जो कॉपीराइट का, सॉरी जो स्ट्राइक आई है
इसमें आप देखिए फोटो में अश्लीलता अगर आपको लगती है तो कमेंट में जरूर बताएं क्या अश्लीलता इसमें मैंने डाली है फोटो में, जिसके ऊपर जो है कई भाइयों ने जो है रिपोर्ट कर करके इसको ये थंबनेल को हटवाया है, सिर्फ थंबनेल हटवाया, आगे चल करके वीडियो भी हटवा सकते हैं, चैनल को भी डिलीट करवा सकते हैं। तो इसी वजह से जो अपना दूसरा जो चैनल है उसका लिंक कमेंट बॉक्स में है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है दूसरे चैनल को, उस पर भी आप आए, उस पर भी जो है आप रेगुलर वीडियो डालेंगे, चैनल जिसको भाई को डिलीट करवाना करवाए, 5-10 चैनल अभी जो है नए बनाएंगे, जितने करवाने हैं करवाए, वो करवाते रहेंगे डिलीट, हम नए बनाते रहेंगे, काम ऐसे चलता रहेगा, जायज़ कीमत पर पशु बेचेंगे, बेचते आ रहे और ऐसे ही बिकते रहेंगे आगे भी। तो जिसको जो करवाना जितना अपना जोर लगाना नीचे से ऊपर तक लगाए और जो कर सकते वो करें, और जो भाई अगर अच्छा पशु और साफ पशु जो है खरीदना चाहते हैं जायज़ कीमत पर, वो नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, उस पर वीडियो अब रेगुलर आपको देखने को मिलेगी। और ये रजत ठाकरान भाई सोनीपत से, इनका जो है धन्यवाद जरूर करना चाहेंगे, उन्हें जो है 10 दिन पहले ही जो है हिंट दे दी थी कि भाई ऐसा कुछ होने वाला है, तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे जो है ज़्यादा वीडियो आपको दूसरे चैनल पर देखने को मिलेगी, रजत सर की भी और किसानों की भी, उन्हीं पर जो है नए चैनल पर भी लेकर के आएंगे और खत्री पर भी लेकर के आएंगे, जब तक है तो लेकर के आएंगे। और जो भाई जो दिल से जो है अपने को जो है फॉलो करते हैं वो उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भाई वीडियो जो है हटवाना चाहते हैं चैनल डिलीट करवाना चाहते हैं वो अपना लगे रहे, जैसा जो करना है जिसको करे। पहले भी काफ़ी बार कोशिश हुई है लेकिन नाकामयाब रहे, कुछ गंगानगर के ही थे, 2-4 यूट्यूब वाले थे छोटे मोटे, और 1-2 जो है दलाल थे, कुछ व्यापारी पीछे पड़े हुए हैं, तो उनको भी कहना चाहेंगे लगे रहो, जितना तुम कर सकते हो करो, और हम भी देखते हैं कौन कितना जो है नीचे गिर सकता है, अपना लगे रहो, हम भी अपने काम में लगे रहेंगे, ऐसे सस्ते पशु लेकर के आएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।